आगे चल के देखने वालों की किस वजह से ट्रैफिक लगा इतना मैं आगे, लेकिन नहीं 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 यस 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 मौत को छू के टक से वापिस आ सकता हूँ लेकिन आऊँगा नहीं। गाइस आप सबको बता दूँ कि काफ़ी मन था मेरा ये व्लॉग करने का, क्योंकि मैं हर हफ्ते रामबन से बनिहाल स्ट्रैच के बीच जितने भी टनल्स हैं फ्लाईओवर से सारे के सारे कवर करता हूँ, लेकिन ये चेक करो गाइस एक हफ्ते के बाद मैं यहाँ पे आया और रोड की अगर क्या कंडीशन है गाइस मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ कि ये चेक करो गाइस रामबन फ्लाईओवर का क्या हाल है और कितनी ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे। और गाइस अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ने वाला हूँ तो आगे आप सबको बताने वाला हूँ इससे आगे क्या अपडेट्स हैं। और आप लोगों को पता ही होगा गाइस कि मैं हर वीक रामबन बनिहाल स्ट्रैच के बीच में एक सीरीज़ लेके आता हूँ जिसमें मैं सारे के सारे टनल्स कवर करता हूँ। तो मैंने सोचा आज भी मौसम अच्छा है, क्यों ना एक और ब्लॉग हो जाए। ओह शिट, गाइस फ्लाईओवर तो ख़त्म हो गया लेकिन डस्ट ख़त्म नहीं हो रही, ये चेक करो गाइस। गाइस ट्रक वाले नहीं मान रहे आज, गाइस काफी ज्यादा डस्ट थी यहाँ पे। गाइस अभी आ चुका हूँ चंबा फ्लाईओवर पे और इससे आगे आप सबको शेरी मार्केट देखने को मिलेगी। और सबसे पहले बढ़ता हूँ गाइस मैं शेरी, ये चेक करो गाइस क्या कट मार रहे होंगे। गाइस इनको अगर पीछे करना हो ना, मेरे एक एयर का काम है, एक ही हाथ में पीछे कर रहे वाले इनको, लेकिन आगे से गाड़ी आ गई तब तक। तो गाइस आज दोनों ट्रैफिक एक ही लाइन पे चलते जा रहे हैं। पहले मैं गाइस इनको कवर करने वाला हूँ और फिर इनसे पास लेने वाला हूँ। तब तक रोड ही खत्म हो गया यहाँ पे, ये चेक करो गाइस ट्रक वाले दोनों कंपटीशन कर रहे हैं कि पहले कौन आगे निकलने वाला है। भाई पास नहीं लेना तो मत लो, कंपटीशन कर रहे हैं कि आगे कौन बढ़ेगा। ये चेक करो गाइस इसे यहाँ पे भी एरिया पूरा कवर कर रखा है और दूसरी साइड भी एरिया कवर कर रखा है। और फिर से यूपी वाले राइडर फिर से आ चुके हैं गाइस, पहला गेयर दूसरे गेयर में गाइस सब पीछे करने वाले उनको। यूपी वाले बंदे मेरे को बार बार अप्रोच कर रहे हैं लेकिन पहले दूसरे गेयर में मैं पीछे कर लेता हूँ उनको। आगे पीछे तो गाइस अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हुई थी, उस चक्कर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग गया है। आप सबको पता ही होगा कि बारिश के टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, कुछ लोग तो बिना वजह के डर जाते हैं। लैनो वाला रॉन्ग साइड, लेकिन मैं अभी इसके पीछे जाने वाला हूँ, इससे आगे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ही रुक गए यहाँ पे गाइस और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ गाइस T2 टनल के बिल्कुल सामने की ओर। और यहाँ पे ट्रैफिक, ओह शिट गाइस डबल लेन लग चुकी है, यहाँ से निकलता हूँ यहाँ से आगे और थोड़ा सा यहाँ से ऑफ रोड करना पड़ेगा, ये तो ऐसे नहीं बढ़ने वाला हूँ गाइस आगे। यस क्या इशू आ रहा है
अभी मैं आ चुका हूँ टीटू टनल के बिल्कुल सामने की ओर, और यहाँ पे मुझे लग रहा है सामने की ओर आप सबको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड आते रहता है, और उस चक्कर में गाइस यहाँ पे कैनोपी भी बना रखी है, मुझे लग रहा होगा वहीं पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है या फिर स्लाइड आया होगा। हट जाओ चाचा, मेरे को जाने दो, मैं जाऊँगा तो तभी तो तुम आओगे ना। ये चेक करो गाइस कितना प्यारा बना रखा है यहाँ पे, और इसे कहते हैं कैनोपी टनल गाइस, दोनों लेंस इसकी कंप्लीट हैं। ये चेक करो गाइस मेरी हाई बीम लो बीम, भाई यूपी वाले बंदे फिर से आ गए मेरे पीछे पीछे। ये चेक करो कितना बड़ा लैंडस्लाइड एरिया, और मुझे लग रहा है इससे आगे कहीं ट्रैफिक है, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि किसी भी टाइम यहाँ पे स्लाइड हो सकता है, शूटिंग स्टोन हो सकता है गाइस। यहाँ पे डबलिंग ट्रबलिंग दस दस लाइन बना रखी है, क्यों है ट्रैफिक यार, मैं आगे जाके चल के देखने वाला हूँ कि ये ट्रैफिक है क्यों, किस वजह से ट्रैफिक लगा इतना। निकल जा 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 निकल जा। हाँ हाँ यस 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 यस, आगे फंसना नहीं चाहिए मैं, और फंस सकता हूँ मैं आगे, लेकिन नहीं नहीं। यस बच गया, ये ट्रैफिक था क्यों, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे तो ट्रैफिक था कहाँ पे पता ही नहीं चला, जाने दो। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ एंटीमन टनल के बिल्कुल सामने की ओर, और यहाँ पे गाइस कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू नहीं था, लेकिन ट्रैफिक पता नहीं क्यों था यहाँ पे भी ट्रैफिक गाइस, बिना वजह का ट्रैफिक गाइस, बिना वजह का ट्रैफिक, और आगे चल के मैं देखने वाला हूँ ट्रैफिक क्यों है। तो गाइस अगर ये एरिया क्रॉस हो जाएगा इससे आगे कोई भी ट्रैफिक नहीं होगा, इतना मुझे कन्फर्म पता है, आगे भी डिगडोल से रामबन की ओर जो होटल्स बनने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह की लोकेशन पे बनने जा रहे हैं। गाइस पूरा को पूरा मूड ऑफ हो गया आज मेरा व्लॉगिंग करने का, ये चेक करो गाइस बंदे कहां कहां से निकल रहे हैं, पूरा मूड खराब हो गया गाइस, जहां पे मेरे 15 मिनट लगने थे वहां पे मेरे 25 मिनट लग चुके हैं। गाइस हाईवे की कंडीशन चेक करो, गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कुछ इस तरह की लोकेशन पे, डस्ट में मेरे पूरे के पूरे कपड़े ख़राब हो गए हैं, और मेरा भी मूड यहाँ से ऑफ हो गया, अब मैं इसे वॉश करने वाला हूँ। भाई मेरा मूड तो पूरा का पूरा ऑफ हो गया भाई व्लॉगिंग करने का, वाह। तो गाइस आगे चल के पहुँचा मैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे, काफ़ी अच्छा वाटरफॉल देखने को मिला यहाँ पे, और मैं सोचा हूँ मैं अपनी बाइक को वॉश करूँ, लेकिन मेरे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है मग्गा वगैरह,
बाइक पे कितनी ज़्यादा डस्ट लग गई है, और अभी मैं इसे हल्का हल्का वॉश करने वाला हूँ। गाइस इसे अच्छे से वॉश तो नहीं करूँगा क्योंकि इससे आगे जाके और ज़्यादा डस्ट लगने वाली है, और मैं इसे अभी हल्का हल्का वॉश करूँगा। तो गाइस अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा डस्ट है इससे आगे। तो गाइस अभी मैं हूँ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे रामबन बनिहाल स्ट्रैच के बीच। रामबन से लगभग 9 किलोमीटर दूर और डिगडोल से लगभग 2 किलोमीटर पहले। तो गाइस आज की वीडियो में आप सबको बहुत कुछ बताना था, लेकिन गाइस इतना ज़्यादा ट्रैफिक और ट्रैफिक के कारण पूरा का पूरा मूड ऑफ हो गया। और साथ ही गाइस बता दूं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट है ना गाइस, पूरा दिमाग घूम गया भाई, आँखों में भी इतनी ज़्यादा डस्ट। और मैं सच बोलूँ तो रामबन फ्लाईओवर से लेके यहाँ तक मुझे अभी इंट्रो करने के लिए भी जगह नहीं मिली कि जहाँ से मैं आप सबको बता दूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ आज की वीडियो में। ये चेक करो गाइस, घर से ना के आया था, लेकिन बालों की कंडीशन चेक करो गाइस ये। और साथ ही मेरे बैक साइड काफ़ी प्यारा सा व्यू है, वो अब मैं आप सबको बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट चल रहा है ना गाइस, क्या ही बोलूँ मैं। आज की वीडियो में आप सबको रामबन से बनिहाल स्ट्रैच के बीच में जितने भी फ्लाईओवर से ब्रिजेस हैं सारे के सारे मैंने कवर करने थे, जितने भी टनल्स हैं। लेकिन गाइस इतनी ज़्यादा डस्ट, ये चेक करना गाइस, ये ट्रक कितनी डस्ट लेके आया है। गाइस कैमरे में नहीं दिख रही लेकिन बहुत ज़्यादा डस्ट है, और काफ़ी लंबे लंबे ट्रक चल रहे हैं यहाँ पे। और गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कुछ इस तरह के लोकेशन पे, इससे आगे जाने वाला हूँ। चेक करो गाइस हाईवे नेस्ट मिनी, और यहाँ से आप कुछ खाने के लिए ले सकते हो, लेकिन अभी आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि ये बंद है, बंद नहीं है। यहाँ पे सारे डोर्स विंडो वगैरह बंद रखी हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे। मैं ये एरिया पूरा ट्रैवल करके आया हूँ। यहाँ से गाइस आगे ट्रैफिक तो है नहीं, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, और साथ ही हवा के साथ साथ डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। कंडीशन पूरी की पूरी ख़राब है भाई, पूरी की पूरी ख़राब है कंडीशन, साथ में एक प्यारी सी बच्ची। भाई भाई पागल है, भाई पागल है यार, गाइस मौत को छू के टक से वापिस आ सकता हूँ लेकिन आऊँगा नहीं गाइस। गाइस अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ, गाइस जोश खत्म हो गया था ब्लॉग करने का, मन नहीं कर रहा था ब्लॉग करने का, लेकिन फिर से गाइस मैं यहाँ से आगे बढ़ चुका हूँ, और आगे आप सबको बताने वाला हूँ कि आगे के क्या अपडेट्स हैं। और साथ ही गाइस अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम सपोर्ट कर रहे हैं। सारे रॉन्ग साइड चल रहे हैं, सारे रॉन्ग साइड चल रहे हैं, लेकिन मैं भी रॉन्ग साइड चल रहा हूँ। हवा में कट मार रहे हैं यार, बिल्कुल ही पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ डिगडोल टनल्स के बिल्कुल सामने की ओर, और यहाँ पे आप सबको बता दूँ चार पोर्टल्स बनने जा रहे हैं, और दो यहाँ से पंठियाल की ओर और दो यहाँ से रामबन की ओर। जो रामबन की ओर गाइस ओपन होने वाला है वो मैंने स्टार्टिंग में ही आप सबको बताया कि वो कहाँ पे ओपन होने वाला है। तो गाइस बात करते हैं जो यहाँ से बनिहाल स्ट्रैच की ओर जा रहे हैं, तो आप सबको बता दूँ स्टार्टिंग का जो पहला पोर्टल है वो है नॉर्थ पोर्टल और दूसरा साउथ पोर्टल। अगर गाइस दोनों पोर्टल्स की बात करूँ तो लगभग 1100-1200 मीटर तक कंप्लीट हो चुके हैं, और सबसे पहले आप सबको बताना चाहूँगा पीछे वाला साउथ पोर्टल ओपन होने वाला है, क्योंकि ये पोर्टल यहाँ से भी काफ़ी दूर तक पहुँच चुका है। और बात करें पंठियाल से इस ओर, पंठियाल से इस ओर भी काफ़ी दूर तक पहुंच चुका है, और जो साउथ पोर्टल है गाइस वो यहाँ से शुरू होता है, और ये चेक करो गाइस और पंठियाल में जाके ओपन होने वाला है। तो गाइस अगर बात करें हमारे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, तो सबसे बड़ा जो टनल्स का प्रोजेक्ट है वो डिगडोल में, क्योंकि यहाँ पर एक साथ चार पोर्टल ओपन होने जा रहे हैं। आने वाले कुछ ही समय में यहाँ पे सिर्फ 70-80 मीटर के बीच में यहाँ से
व्हीकल्स देखने को मिलेंगे, हैवी ट्रैफिक देखने को मिलेगा और